हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि ये जो पावर सीरीज हमारे सामने लिखी हुई है, इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फॉर्मूले क्या होते हैं। सो अगर हमें कोई भी पावर सीरीज इस फॉर्म में दी हुई है, समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एंड ए एन जेड टू पावर एन, सो यहाँ पर हम जब रेडियस ऑफ कन्वर्जन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला आपको दिया हुआ है वन अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टू इनफाइनाइट ए एन मॉडुलस में और इसकी होल पावर वन बाई एन। ऐसा हम तब करते हैं जब हमारा ए एन जो होता है वो पावर एन के टर्म में दिया होता है, ताकि एन टू एन कैंसिल हो जाए और हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। दूसरा हमारा फॉर्म है वन अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टू इन्फेनाइट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ये सिंपल जब हमारा ए एन दिया होता है तब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो आइए अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है। हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारा वो पावर एन के फॉर्म का है, इसलिए हम वन बाई एन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो जो हमारी पावर सीरीज़ है उसका ए एन जो टर्म है वो दिया हुआ है फोर प्लस थ्री आई होल पावर एन, ये हमारा ए एन है। सो जब हम इसका मॉडुलस करेंगे, सो दोनों तरफ हम मॉडुलस कर देंगे और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलने वाला है फोर का स्क्वायर एंड इमेजिनरी टर्म, तो यहाँ पर थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली ये हमारा सॉल्व होकर के आ जाएगा और यहाँ पर पावर हम एन लगा देंगे, होल पावर एन भी लगा देंगे, तो सिंपली ये आ जाएगा फाइव की पावर एन। अब हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा होता है वन अपॉन आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और ए एन मॉडुलस में होल पावर वन बाई एन। अब जो हमारा ए एन है वो है फाइव टू द पावर एन, मॉडुलस में ए एन की वैल्यू आई है फाइव टू द पावर एन। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट फाइव टू द पावर एन होल पावर वन बाई एन, और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास में यहाँ पर बचेगा फाइव, सिंपली फाइव, और वन बाई आर की वैल्यू है फाइव, सो यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन फाइव। इस तरीके से हम किसी भी पावर सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी पावर सीरीज़ है वो किस फॉर्म में दी हुई है। अगर एन के टर्म में दी हुई है तो आप वन बाई एन वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करिएगा, ताकि ईजिली आप सॉल्व कर पाएँ। और सबसे पहले ए एन कंसिडर कर लीजिएगा कि वहाँ पर ए एन क्या दिया हुआ है, उसकी वैल्यू मॉडुलस में पहले ही फाइंड आउट कर लीजिए, ताकि आपको ईजी हो जाए फॉर्मूले में अप्लाई करने में। ओके।